Hi guys and welcome to Government Crackers. So as you all are aware that TS-43 notification has already been out, today we'll be discussing about TS-43 official document list. As in, you have submitted the online application form. Now when you get calls for SSB, so what all documents actually you need to prepare if you're confident enough that you will definitely get the call-up letter for SSB. So kya kya documents aapko carry karne TS ke? हम इस वीडियो में पूरी बात करेंगे. ऑल राइट, सो विल बी नोइंग अबाउट द फोटोग्राफ, नंबर, साइज, मार्कशीट्स, बोनाफाइड एंड आईडी प्रूफ्स. सो प्लीज़ वॉच द वीडियो टिल एंड सो दैट ऑल योर डाउट्स गेट क्लियर्ड हियर. ऑल राइट, सो द वेरी फर्स्ट थिंग योर कम्स इज ओरिजिनल मार्कशीट चाहिए आपकी 10th की, CBSE, जो भी CBSE बोर्ड से हैं, ICSE बोर्ड से हैं या किसी और स्टेट बोर्ड से हैं. सो यू गेट अ मार्कशीट प्लस डिफरेंट सर्टिफिकेट. वन सर्टिफिकेट इज ऑल्सो देयर विद नॉर्मल मार्कशीट. दिट्स इज़ यूजली इन स्टेट बोर्ड्स, क्योंकि CBSE में तो आपका ग्रेडिंग सिस्टम था एंड उसके लिए जो आप लोग को मार्कशीट्स मिली होंगी वो एक प्रॉपर बड़ी सी मार्कशीट जैसे मैंने इसमें डिस्प्ले की है, ये मार्कशीट आपको मिली होगी. बाकी स्टेट बोर्ड्स में क्या होता है, नॉर्मल आपको मार्कशीट मिलती है विथ मार्क्स एंड सर्टिफिकेट्स. तो जो CBSE की मार्कशीट है उसमें आपको किसी और सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती, बिकॉज CBSE डज नॉट इशू दैट. बट नॉर्मल ICSE बोर्ड या स्टेट बोर्ड्स में यू गेट दिस मार्कशीट प्लस इस तरह का एक सर्टिफिकेट मिलता है, इसलिए मैंने पिक्चर्स के साथ आपको शो करा हुआ है. सो प्लीज़ प्रॉपरली अरेंज इट. सेकेंड इज़ यू गेट अ 12th मार्कशीट प्लस उसका एक पासिंग सर्टिफिकेट मिलता है. सो यू हैव टू अरेंज दिस 12th मार्कशीट एंड पासिंग सर्टिफिकेट स्टेट बोर्ड में भी. सिमिलरली दो अटेस्टेड फोटोकॉपीज चाहिए आपको इन सारे डॉक्यूमेंट्स की, प्लस ओरिजिनल NCC सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल. नाउ इफ एप्लीकेबल मींस जैसे कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो NCC कर लेते हैं स्कूल्स में. ऑलराइट, जिनके स्कूल्स में है, इफ़ यू हैव दैट NCC सर्टिफिकेट प्लीज़ कैरी इट अलॉन्ग विथ योर सेल्फ. ठीक है, आप उसे अपने द टाइम ऑफ इंटरव्यू SSB में शो कर सकते हैं, विच विल गिव एन एड ऑन एडवांटेज टू योर इंटरव्यू. जो आप टिकट्स कैरी करते हैं, फॉर एग्जांपल जो रिपीटर्स होते हैं, नाउ TS में रिपीटर्स कौन हो सकते हैं, जिन्होंने NDA के थ्रू पहले कभी एग्जाम अप्लाई किया हो, या जो रिपीटर्स नहीं हैं उनके लिए मैं बता दूं, द फर्स्ट SSB इज टिकट्स आर टोटली रिफंडेबल टू यू. सो आपको हार्ड कॉपी लेके जानी, मेक श्योर आप कोई भी सॉफ्ट कॉपी वो एंटरटेन नहीं करेंगे. प्लीज़ कैरी हार्ड कॉपी विथ यू सो दैट यू गेट प्रॉपर रिफंड्स. अब रिफंड्स में आपका जाने का शॉर्टेस्ट रूट का डिस्टेंस जो है SSB सेंटर तक उसका रिफंड मिलता है, यानी AC 3rd का आपको प्रॉपर रिफंड मिलता है. फॉर एग्जाम्पल सपोजिंगली आप अंदर जाते हैं, स्क्रीन आउट हो जाते हैं, स्क्रीन आउट में जब आप वापस आते हैं सो वहाँ पे प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स भर के आएंगे आप, तो आपका रिफंड वो आ जाएगा. नाउ जो स्टूडेंट्स अब वो डिलेमा में होते हैं या डाउट में होते हैं, तो व्हाट वी डू इज फॉर अ सेफर साइड हम जाने के टिकट्स कराते हैं प्लस स्क्रीनिंग के बाद के टिकट्स करा लेते हैं एंड कॉन्फ्रेंस डे के टिकट्स कराते हैं. सो इफ़ यू गेट सेलेक्टेड सो आप स्क्रीनिंग वाले टिकट्स को कैंसिल कर देते हैं, यू गेट रिफंड फॉर जो आप कॉन्फ्रेंस वाले टिकट को कराते हैं. एंड अगर कॉन्फ्रेंस से भी आप आगे बढ़ जाते हैं, मेक इट कैंसिल, फिर आप सीधे मेडिकल्स के बाद आते हैं, सो गेट रिफंड फॉर दैट ऑल्सो. सो दिस इज़ द प्रोसीजर एंड दिस इज़ हाउ एक्चुअली यू कैन डू, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चन आते हैं कि हम कैसे किस अकॉर्डिंग टिकट्स कराएं. सो अकॉर्डिंगली यू कैन मैनेज. नाउ यू हैव 20 कॉपीज ऑफ योर रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, फॉर्मल ड्रेस विद वाइट बैकग्राउंड. ऑल राइट, सो ये कॉपीज़ आपको अपने पास रखनी है इन प्रॉपर लाइट कलर्ड क्लोथ्स में एंड मेक श्योर द बैकग्राउंड इज वाइट. कॉल अप लेटर, अपार्ट फ्रॉम दैट जिन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी वो होगा कॉल अप लेटर जो आपको SSB के थ्रू आएगा. फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे नेवी का डिस्प्ले करा हुआ है, इस तरह से कॉल अप आएगा. प्लस फोटो आईडी प्रूफ्स आपको लेके जाने हैं, दैट मे बी एनी आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, पैन कार्ड, एनीथिंग यू हैव एंड ऑल रेलिवेंट सर्टिफिकेट्स. आपने स्कूल तक जो भी सर्टिफिकेट्स कलेक्ट करें हो, डिफरेंट डिफरेंट एक्स्ट्रा कोकुलर एक्टिविटीज़ में स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट्स, वो सारे आपको कैरी करने हैं सो दैट एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू इफ रिक्वायर्ड यू कैन शो दैट. यू कैन राइट इट इन योर PIQ फॉर्म्स विच विल एक्चुअली हेल्प इन योर SSB इंटरव्यू एंड विल गिव एन एडेड एडवांटेज एज कम्पेयर टू अदर्स. सो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको कैरी करने गाइज. Apart from that, already there is a special series on SSB self-description, just my reality revealed away that what actually is required self-description mein, plus
रिपोर्टिंग कैसे करनी है डिफरेंट डिफरेंट सेंटर्स पे, उनकी ऑलरेडी एक वीडियो पड़ी है. प्लस प्रिपरेशन फॉर AFSBs आर ऑल्सो देयर, विच इज़ एक्चुअली नॉट रिक्वायर्ड फॉर यू गाइज, बट इन फ्यूचर इफ़ यू वॉन्ट टू यू कैन विजिट दीज साइट्स. कुछ पॉइंट्स आप कलेक्ट कर सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट आई विल बी कंडक्टिंग कॉन्टिन्यूस सीरीज फॉर TES वीडियो. सो दिस इज गोइंग टू बी द वेरी फर्स्ट वीडियो. सेकेंड वीडियो विल बी टॉकिंग अबाउट हाउ टू प्रिपेयर फॉर TES, एंड आफ्टर दैट विल बी preparing about what is required actually in TES PPDT. क्या अप्रोच होना चाहिए हमारा जो परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट के लिए, सो दैट वी कैन बी श्योर दैट हमारे चांसेस जो हैं स्क्रीनिंग के लिए दैट बिकम्स 100%. ऑल राइट, सो इन सब चीज़ों पर वन बाय वन करके बात करेंगे. सो दिस वीडियो एंड्स अप हियर टेलिंग यू ऑल द डिटेल्स अबाउट वॉट इज एक्चुअली रिक्वायर्ड फॉर TES 43 ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स लिस्ट. Next, we'll be talking about how to prepare for TES. Please don't miss any of the videos. All the best and do well.